तो मेरे भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आप ही के चैनल क्रिकेट घातक में एक नई न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इस साल आरसीबी टीम की कप्तानी करने वाले और कप्तानी के साथ साथ इस साल के टाटा आईपीएल 2023 में आरसीबी की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले फाफ डुप्लेसिस सर। आज के अपनी इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि फाफ डुप्लेसिस सर अपने आईपीएल करियर में हर साल आखिर कितने रन बनाते हैं, साथ ये भी देखेंगे रनों के साथ साथ कि इनका एवरेज कितने का है, स्ट्राइक रेट कितने का है, कितने चौके कितने छक्के मारते हैं आईपीएल के हर सीजन में। और इन सभी रिकॉर्ड के साथ साथ एक और बहुत ही मजेदार चीज और भी देखेंगे जिसे जानने के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो है कि इन आईपीएल के अंदर हर साल आखिर कितना पैसा मिलता है। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, आपके इस कीमती समय को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से फाफ डुप्लेसिस सर के आईपीएल करियर के हर एक साल के हर एक रिकॉर्ड का पता लगा लेते हैं। तो चलिए भाई, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आईपीएल 2012 से, क्योंकि इसी साल फाफ डुप्लेसिस सर ने अपने आईपीएल करियर का पहला मैच खेला। इस साल फाफ डुप्लेसिस सर ने आईपीएल में कुल 13 मैचेस खेले थे जिसमें उन्होंने 33.16 की एवरेज से कुल 398 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 3 अर्धशतक भी थे, साथ इनके इस साल के आईपीएल का बेस्ट स्कोर 73 रन का। और साथ ही भाई, इस साल के आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की टीम ने फाफ डुप्लेसिस सर को 60,32,000 रुपए की राशि देकर अपनी टीम में रिटेन रखा था। साथ ही फाफ डुप्लेसिस सर ने इस साल के आईपीएल में 130 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए कुल 29 चौके और 17 छक्के भी जड़े। इसी के साथ भाई बात करें अपने अगले साल की, तो 2013 के आईपीएल में फाफ डुप्लेसिस सर ने एक भी मैच नहीं खेला था, इसलिए इस साल को स्किप करके बढ़ते हैं अपने अगले साल की तरफ और बात कर लेते हैं आईपीएल 2014। इस साल के आईपीएल में फाफ डुप्लेसिस सर ने कुल 15 मैचेस खेले थे जिसमें उन्होंने 27.54 की एवरेज से कुल 303 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 2 अर्धशतक भी थे, साथ इनके साल के आईपीएल का बेस्ट स्कोर नाबाद 54 रन का था। और साथ ही भाइयों, इस साल के आईपीएल में सीएसके की टीम ने फाफ डुप्लेसिस सर की इनकम बढ़ा के कर दी थी 4,75,00,000 रुपए। साथ ही फाफ डुप्लेसिस सर ने इस साल के आईपीएल में 128.93 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए कुल 26 चौके और 7 छक्के भी जड़े थे। नंबर नेक्स्ट आईपीएल 2015 के आईपीएल सीजन में फाफ डुप्लेसिस सर ने कुल 17 मैचेस खेले थे जिसमें उन्होंने 29.23 की एवरेज से कुल 380 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम एक अर्धशतक भी था, साथ इनके साल के आईपीएल का बेस्ट स्कोर 55 रन का था। और साथ ही भाई, फाफ डुप्लेसिस सर की इनकम इस साल भी पिछले साल की जितनी थी 4,75,00,000 रुपए। साथ ही भाई, इस साल के आईपीएल में फाफ डुप्लेसिस सर ने 125 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए कुल 37 चौके और 5 छक्के भी जड़े थे। नंबर नेक्स्ट आईपीएल 2016, इस साल के आईपीएल सीजन में फाफ डुप्लेसिस सर ने कुल 6 मैचेस खेले थे जिसमें उन्होंने 34.33 की एवरेज से कुल 206 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 2 अर्धशतक भी थे, साथ ही इनके इस साल के आईपीएल का बेस्ट स्कोर 69 रन का था। और साथ ही भाइयों, इस साल के आईपीएल में फाफ डुप्लेसिस सर राइजिंग पुणे सुपर जायंट के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि इस साल चेन्नई सुपर किंग की टीम नहीं तो राइजिंग पुणे सुपर जायंट की टीम ने फाफ डुप्लेसिस सर को 4,75,00,000 रुपए देकर ही अपनी टीम में शामिल किया। और वहीं बात करें इनके स्ट्राइक रेट की, तो इस साल के आईपीएल में फाफ डुप्लेसिस सर ने 127.16 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए कुल 17 चौके और 9 छक्के भी जड़े। इसी के साथ भाई बात करें अपने अगले आईपीएल सीजन की, तो आईपीएल 2017 में फाफ डुप्लेसिस सर ने चोट की वजह से मात्र 2 ही मैचेस खेले थे और अपने इन 2 मैचों में फाफ डुप्लेसिस सर ने मात्र 8 रन बनाए थे। इसलिए इस साल के आईपीएल सीजन में कुछ ज्यादा बताने के लिए है नहीं फाफ डुप्लेसिस सर के लिए, इस साल को स्किप करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले साल की तरफ और बात कर लेते हैं आईपीएल 2018। आईपीएल 2018 में फाफ डुप्लेसिस सर ने कुल 6 मैचेस खेले थे जिसमें उन्होंने 32.40 की एवरेज से कुल 162 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम एक अर्धशतक भी था, साथ ही इनके इस साल के आईपीएल का बेस्ट स्कोर नाबाद 67 रन का। और साथ ही भाइयों, इस साल के आईपीएल में फाफ डुप्लेसिस सर एक बार फिर से सीएसके की टीम के साथ जुड़ गए थे और सीएसके की टीम ने इस साल फाफ डुप्लेसिस सर को 1,60,00,000 रुपए दिए थे। साथ ही फाफ डुप्लेसिस सर ने इस साल के आईपीएल में 125.58 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए कुल 17 चौके और 6 छक्के जड़े थे। नंबर नेक्स्ट आईपीएल 2019 के आईपीएल सीजन में फाफ डुप्लेसिस सर ने कुल 12 मैचेस खेले थे जिसमें उन्होंने 36 की एवरेज से कुल 396 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम कुल 3 अर्धशतक भी थे, साथ इनके इस साल के आईपीएल सीजन का बेस्ट स्कोर 96 रन का। और साथ ही भाइयों, इस साल के आईपीएल में फाफ डुप्लेसिस सर की इनकम पिछले साल की तरह 1,60,00,000 रुपए थी। साथ ही भाइयों, फाफ डुप्लेसिस सर ने इस साल के आईपीएल में 123.37 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए कुल 37 चौके और 15 छक्के भी जड़े थे। नंबर नेक्स्ट आईपीएल 2020, साल के आईपीएल में फाफ डुप्लेसिस सर ने कुल 13 मैचेस खेले थे जिसमें उन्होंने 40.81 की एवरेज से कुल 449 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 4
अर्धशतक भी थे। साथ इनके इस साल के आईपीएल का बेस्ट स्कोर नाबाद 87 रन का। और साथ ही भाई फाफ डुप्लेसिस ने इस साल के आईपीएल सीजन में अपने बल्ले से 140.75 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए कुल 42 चौके और 14 छक्के भी जड़े थे। साथ ही इनके इस साल की आईपीएल इनकम भी 1,60,00,000 रुपए थी। नंबर नेक्स्ट आईपीएल 2021। 2021 आईपीएल सीजन में फाफ डुप्लेसिस ने कुल 16 मैचेस खेले थे, जिसमें उन्होंने 45.21 की एवरेज से कुल 633 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 6 अर्धशतक भी थे। साथ इनके इस साल के आईपीएल का बेस्ट स्कोर नाबाद 95 रन का। और साथ ही भाई फाफ डुप्लेसिस ने इस साल अपने बल्ले से कुल 633 रन तो बनाए थे, लेकिन वो ऑरेंज कैप को हासिल करने से मात्र 3 रन से चूक गए थे इस आईपीएल सीजन। इसी के साथ भाई इस साल के आईपीएल सीजन में भी फाफ डुप्लेसिस सर की इनकम पिछले साल के आईपीएल की तरह एकदम सेम 1,60,00,000 रुपए थी। साथ ही भाई फाफ डुप्लेसिस सर ने इस साल 138.20 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए कुल 60 चौके और 23 छक्के भी जड़े थे। नंबर नेक्स्ट आईपीएल 2022। इस साल फाफ डुप्लेसिस सर ने आईपीएल के अंदर कुल 16 मैचेस खेले थे, जिसमें उन्होंने 31.20 की एवरेज से कुल 468 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 3 अर्धशतक भी थे। साथ इनके साल के आईपीएल का बेस्ट स्कोर 96 रन का। और साथ ही भाई फाफ डुप्लेसिस सर इस साल के आईपीएल में सीएसके की टीम से निकलकर आरसीबी की टीम में जुड़ गए। तो आरसीबी की टीम ने इनको 7 करोड़ रुपए की राशि देकर अपनी टीम में शामिल किया। और वही बात करें इस साल के आईपीएल में इनके स्ट्राइक रेट की, तो 127.52 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए फाफ डुप्लेसिस ने अपने बल्ले से इस साल के आईपीएल में टोटल 49 चौके और 13 छक्के भी जड़े थे। नंबर नेक्स्ट आईपीएल 2023। आईपीएल 2023 में फाफ डुप्लेसिस ने कुल 14 मैचेस खेले थे, जिसमें उन्होंने 56.15 की एवरेज से कुल 730 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 8 अर्धशतक भी थे। साथ इनके इस साल के आईपीएल का बेस्ट स्कोर 84 रन का। और साथ ही भाई फाफ डुप्लेसिस सर का ये साल आईपीएल के अंदर उनके आईपीएल करियर का आज तक का सबसे सफल साल भी साबित हुआ था, क्योंकि इस साल फाफ डुप्लेसिस ने अपने आईपीएल करियर के एक साल में सबसे ज्यादा रन तो बनाए, लेकिन रनों के साथ साथ सबसे ज्यादा अर्धशतक, सबसे ज्यादा छक्के और सबसे अच्छा एवरेज इसी साल के आईपीएल के अंदर। और वहीं बात करें इस साल के आईपीएल में फाफ डुप्लेसिस सर के स्ट्राइक रेट की, तो 153.68 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए फाफ डुप्लेसिस ने अपने बल्ले से कुल 60 चौके और 36 छक्के भी जड़े। तो चलिए भाई इसी के साथ ये बात तो हो गई फाफ डुप्लेसिस सर के उनके आईपीएल करियर के हर एक साल के हर एक रिकॉर्ड की। इसी के साथ भाई फाफ डुप्लेसिस सर के अलावा इस टॉपिक के ऊपर पहले हमने कई महान खिलाड़ियों के ऊपर ये वीडियो बना दिए, जैसे कि विराट कोहली सर, धोनी सर, रोहित सर, राहुल सर, एबी डिविलियर्स सर, जॉस बटलर सर, हार्दिक पांड्या सर, सूर्य कुमार यादव सर, ऐसे ही और भी कई महान खिलाड़ियों के ऊपर ये वीडियो हमने पहले ही बना दी। अगर आप सब इनमें से किसी भी खिलाड़ी के ऊपर ये वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ये सभी वीडियो एकदम फ्री में देख सकते हैं। साथ ही भाई अगर आपको कोई फेवरेट खिलाड़ी छूट रहा है जिसके ऊपर आपको बिल्कुल ऐसी वीडियो देखनी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस खिलाड़ी का नाम हमें बता देना, वीडियो आपको बहुत जल्द से मिल जाएगी। तो चलिए मेरे भाइयों इसी के साथ आज की अपनी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और आगे भी अपने इस चैनल पर क्रिकेट की ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ मैं आप सबसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब ऐसे ही तहलका मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, अपने इस भाई को मत भूल जाना यार।